18 भी आपके पास बिल्कुल 17 की तरह से है, फार्मूला कॉस का लगेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में यहां पाई बचता है। आपके पास क्या है बेटा, ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको उठा के जब इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। अब हमें राइट हैंड साइड में पाई चाहिए, लेकिन इससे पहले आपके पास आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स किसके इक्वल होता है, एक सेकंड, एक बच्चा बता रहा है रहीम जी, ए बी माइनस, क्योंकि यहां प्लस से माइनस आएगा, ठीक है, आपके पास वो पॉइंट ब्रैकेट क्लोज की है, ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है, उसके बाद बाहर ब्रैकेट क्लोज की है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इस शेप में है, अब हमने राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यूज को आगे पुट कर रहे हैं, लेकिन एक ही जगह हमारे पास क्या पुट करेंगे, इन द प्लेस ऑफ ए वी पुट माइनस एक्स, एंड इन द प्लेस ऑफ बी वी पुट एक्स। जब आप पुट करते हैं तो हमारे पास कॉस इनवर्स, ठीक है, ए बी, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स, वन माइनस, यहां मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस बात को समझिएगा, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है, माइनस की साइन खत्म हो जाती है, ठीक है उस्मान, और यहां पे वन माइनस बी की जगह भी यही आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या होगी, पहले पावर ऐड करें स्क्वायर, फिर उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, दोनों की पावर ऐड होगी स्क्वायर, और अब आपके पास पूरी ब्रैकेट में स्क्वायर रूट है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कॉस इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो यहां पे चेंज आएगा, यहां क्या आ जाएगा, माइनस 1, और साइन इसकी चेंज हो क्या बन जाएगी, प्लस होगी, क्योंकि ये बाहर इसके माइनस है, या एक स्टेप में ज्यादा कर देता हूं तब क्लियर हो जाए, यहां स्क्वायर रूट कैंसिल किया, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, कैंसिल, कॉस इनवर्स माइनस 1 एंड कॉस इनवर्स माइनस 1 जब आप कैलकुलेटर पे पुट करते हैं, डिग्री फॉर्म में पुट करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, वो आएगा 180 डिग्री, और जब उसे पाई में रेडियन में कन्वर्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू पाई, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, इज दैट क्लियर, एनी क्वेश्चन, एकदम वर्ड पिक कर, एकदम पिक कर लो, सबसे पहले दोनों सवाल के क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 भी था, उसमें भी यही था, जो राइट हैंड साइड में आपके पास वैल्यूज उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लाने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपके पास फार्मूला चेक करना है, साइन इनवर्स का फार्मूला लगेगा, प्लस वाला या माइनस वाला, तो प्लस का फार्मूला है, प्लस का फार्मूला लिखा, फिर फार्मूले की राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट की, साइन इनवर्स 0, देन वी विल गेट द 0, सेम ऑपरेशन विल अप्लाई ऑन द क्वेश्चन नंबर 18, यहां से भी यही किया, इस कॉस इनवर्स माइनस वाले को बाकी इस तरफ लाए तो क्या हो गया, प्लस, उसके बाद फार्मूला, ये आपके पास फार्मूला है, फार्मूले को मैं बॉक्स में डाल देता हूं, ये फार्मूला लिखा, फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई करा रही है, तो हम इसकी वैल्यूज किस में पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में पुट करके सिंपलीफाई किया, देन वी गेट द कॉस इनवर्स माइनस 1, कॉस इनवर्स माइनस 1 कैलकुलेटर की हेल्प से निकालेंगे, दैट इज 180 डिग्री, जो इक्वल टू पाई होता है रेडियन, इज इट क्लियर, राइट क्लियर, क्वेश्चन आपके पास और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 बन गया, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां पे एक बात आपको जो सबसे पहले मैंने बताई 13.2 के फार्मूले नहीं लगेंगे, इस बात का आपको पता कैसे चलेगा, आपके पास देखिए फार्मूले जो भी है 13.2 में जो यूज हो रहे हैं उसमें अगर कॉस इनवर्स है फिर यहां भी कॉस इनवर्स है प्लस या माइनस करके राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स है, यानी अगर तीनों सेम सेम हो तो 13.2 का फार्मूला यूज होगा, मीन अगर यहां साइन इनवर्स है यहां भी साइन इनवर्स है यहां भी साइन इनवर्स होगा,
अगर ये तीनों में से कोई दो चेंज है या एक चेंज है तो आपके पास 13.2 में जो फॉर्मूले यूज है वो यूज नहीं होंगे, फिर हमें 10.2 के फॉर्मूले पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बजाय आपको दो टर्म में नजर आ रही है लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन है वहां पे आपके पास तीन टर्म्स थी, तो ये तीन टर्म्स हैं लेकिन दो टर्म में शिफ्ट हुई है। यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो टेन इनवर्स को दो दफा लिखिए और टेन इनवर्स का फार्मूला लगाए, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का, या डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आंसर निकाल लें, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं, तो अगर आप इस फार्मूले को सिर्फ सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला भी है, अगर डायरेक्ट फार्मूला आपको कंफ्यूज कर रहा था, आपको टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला याद है? याद है? चले वो वाला फार्मूले के हवाले से आपके पास बता देता कि आपके पास वो वाला भी साफ क्लियर हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 63 ओवर 65 प्लस ये 2 है, दो दफा लिख लीजिएगा, टेन इनवर्स 1 ओवर 5 फिर प्लस लिख देंगे टेन इनवर्स 1/5, क्योंकि ये वाला फार्मूला आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं इसलिए मैं इस फार्मूले में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां दो टेन है तो यहां पे आप फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा? टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स आपके पास बी इज इक्वल टू 1, टेन इनवर्स आपके पास क्या होता है ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी, ये है। इस फार्मूले को यूज करेंगे, इसी फार्मूले को अगर आपके पास इस b को a में चेंज कर दें तो यहां भी क्या आ जाएगा बेटा a, तो a प्लस a 2a बन जाता है और 1 माइनस a स्क्वायर, यानी अगर 2a को डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैंने आपके पास इसलिए फार्मूला लिखा है ताकि ये फार्मूला आपको पहले से आता भी है और इस फार्मूले को आप यूज भी कर चुके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम सिर्फ इन दो टर्म्स के ऊपर, इसके क्वेश्चन नंबर 1 का नाम है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आप यहां पे यूज कर लेंगे। बट जब इसकी राइट हैंड साइड पे यूज करते हैं फार्मूला टेन इनवर्स, अब आपके पास क्या है a, a की जगह हमारे पास क्या है 1 ओवर 5 प्लस b की जगह भी क्या है 1 ओवर 5 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 5 इनटू 1 ओवर 5 दैट क्लोज, ठीक है। मजीद जब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास यहां से क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स 1/5 प्लस 1/5 2/5 और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/25। नेक्स्ट टेन इनवर्स आपके पास 2/5 फ्रैक्शन है, इसे ऊपर भी ला रहा हूं और उल्ट भी कर रहा हूं क्योंकि एलसीएम लेंगे, तो 25 माइनस 1 क्या आ जाएगा 24/5 है, जब फ्रैक्शन के अंदर मैं आपके पास ये स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं तो आप इस स्टेप को अंडरस्टैंड करें, कैलकुलेटर पे करेंगे तभी आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेटर पे आप 1 - 1/25 तो आंसर आएगा 24/5 क्योंकि ये 25 के साथ से मल्टीप्लाई होगा ना, उसमें से 1 - 1/24/5 फ्रैक्शन जब ये ऊपर आएगी तो ऊपर आएगी क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, इसको चेंज कर देंगे, कैंसिलेशन हो रही है क्या 5 यहां से 12 तो आपके पास क्या आ गया टेन इनवर्स 5/12। अब ये वाली वैल्यू आपके हम इसकी जगह पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 इसकी ये वाली जैसे वैसे लिखी है cos इनवर्स, आपके पास टेन इनवर्स 5/12। अब वही बात है कि हमारे पास ये दोनों चेंज है, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके पास ऐसा था, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से था, ठीक है। वहां पे दो टर्म थी ना, तीन से हमने दो टर्म में शिफ्ट कर दिया, अब हमें दो डायग्राम बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसको क्या लेट कर लेते हैं, इस पूरे को लेट कर लेते हैं अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 63 ओवर 65 और यहां पे इसको बीटा लेट करते हैं टेन इनवर्स 5/12। तो यहां से आपके पास कॉस अल्फा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 63 ओवर
65 और 3 बीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/12. अब हमें क्या करना है, दो राइट ट्राइंगल बनानी है, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम उस पर अप्लाई करें। पहले राइट ट्राइंगल एक अल्फा के तहत बनाते हैं और एक बीटा के तहत। जगह मेरे पास अगर कम हुई तो आप लोग समझेंगे, यहां अल्फा के तहत बना लेते हैं। 63/65 cos किसके अंदर होगा, किसके बराबर होता है रेशियो में? बेस ओवर हाई, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या बन जाएगी बेटा? 63/65। अब आपके पास परपेंडिकुलर आप निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर क्या है? कैलकुलेटर आपके पास है, निकाल लीजिए शाबाश। जल्दी से यूज करके मुझे बताएं, जब तक मैं बीटा की डायग्राम बनाता हूं। ये 10 है तो 5/12 और इसकी वैल्यू आपके पास है, क्या है आंसर? 256 है। 256 का जब रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 256 हमारे पास 16 का रूट होता है, रूट लोग 16 आता है। तो इसीलिए 13.2 के अंदर ये वाला फार्मूला यूज करके आपने इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है और मैंने ये स्टेप डायरेक्ट कर दी है, ठीक है? अब हमें ये देखना है कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? साइन का। इसके बेटा मैंने क्या लेट किया था, इस पूरे को लेट क्या किया है? अल्फा। फिर दरमियान में साइन क्या है? प्लस। दूसरी टर्म को क्या लेट किया है? बीटा। यानी यहां फॉर्मूला लगेगा साइन अल्फा प्लस बीटा। जो दोबारा बता रहा हूं, कैसे पता चलेगा? राइट हैंड साइड चेक करके क्या है, साइन साइन का फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स है ना। इस पूरी टर्म को मैंने क्या लेट किया हुआ है? अल्फा। तो इसकी जगह अल्फा पे साइन क्या है? प्लस। तो प्लस। इस पूरी टर्म को क्या लेट किया मैंने? बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा, और साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? सही, गुड। ये फॉर्मूला आपके पास होता है साइन अल्फा कॉस बीटा। उसमें आगे क्या बताया इसने? ये मतलब फर्क हो गया। अब हमने जो वैल्यूज इसमें लिखनी है बेटा, वो इस डायग्राम को देख के लिखनी है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा वरना आपने वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि मेरे पास जगह कम थी। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी? अल्फा की डायग्राम ये है, गुड, 16/65। कॉस बीटा की वैल्यू 63 क्यों ले रहे हो? देखो ये अल्फा के तहत है, ये डायग्राम अल्फा के तहत है, बीटा के तहत ये डायग्राम है। कॉस बीटा 5/12 क्यों? एक सेकंड। कॉस मैंने होता किसके बराबर है? तो फिर आप क्या बोल रहे हैं? मैं 5/12 बोल रहा हूं। तो 5/12 10 की वैल्यू है, सॉरी सर। तो यहां पे cos बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? cos अल्फा 63/65। अल्फा की वैल्यू यहां से देखनी है, 5/12। और sin बीटा की वैल्यू 5/12। साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/12 क्यों बेटा? 5/12 बात है 5/13। क्योंकि देखिए आपके पास मैं बता रहा हूं कि बीटा की यहां से देखना है, और सेंटेंस दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं। एक सेंटेंस जो आपको बताया, सम पीपल है करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो साइन एस सम पीपल है, एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपके पास आएगा 5/13। आगे फिर वही कैलकुलेटर का काम है, इन दोनों करके आता है आपके पास।
लिखो बेटा 16 इनटू 12 चलो जल्दी से अपॉन कर दो बाद में इसकी वैल्यू को लिखने के बाद अच्छा बेटा जब हमारे पास इसको करते हैं 16 इनटू 12 192 65 इनटू 13 845 आया फिर आपके पास 63 इनटू 5 315 और 63 आपके पास 63 5 और इनटू 13 845 प्लस की साइन है दोनों की बेस सेम है दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे 507 और 845 कैलकुलेटर पे ही आप लिखें 507 ओवर 845 तो वो सिंपलीफाई करके 3 ओवर 5 आपको बता देगा जो कि हमारे पास इसकी क्या है राइट हैंड साइड है तो ये जो साइन है ये उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा लास्ट टाइम लिखा मैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये साइन राइट हैंड साइड में जाकर साइन इनवर्स हो गया दैट इज इक्वल टू 3 ओवर 5 जो हमें चाहिए था बस 10.2 का फार्मूला जब आपने यूज कर लिया तो याद रखने की चीज ये है कि जब ये वैल्यूज चेंज होगी यानी साइन है कॉस है टेन है जब चेंज होगी तो फार्मूला लगेगा 10.2 का जब तीनों सेम होंगी तो फिर आपके पास फार्मूला लगेगा 13.2 का यस सर वो वाला जो क्लियर यस सर एनी क्वेश्चन इन योर माइंड नो सर ओके राइट दिस यस सर